press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हाय दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीटीएसटी के बारे में कि बीटीएसटी क्या होता है, इसे नॉर्मली करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करें तो कैसे करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, ऐसी किस चीज पे ध्यान देना है जिसकी वजह से हमको बीटीएसटी में बहुत बड़ा नुकसान ना हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ बीटीएसटी। तो पहले लोग मुझसे पूछते हैं बीटीएसटी होता क्या। देखो, बीटीएसटी बहुत सिंपल है, उसका मतलब ही बहुत सिंपल है, बाय टुडे सेल टुमारो, बाई टूडे सेल टूमोरो, यानी कि आज खरीदो कल बेचो। आज मैंने सामान खरीदा है, कल मुझे बेचना है। कैसे स्टॉक्स में नॉर्मली लोग काम करते हैं, पहले बीटीएसटी में कौन से ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिसमें लोग काम करते हैं। लोग बीटीएसटी में नॉर्मली काम करते हैं जो एफएनओ के स्टॉक्स होते हैं, जो फ्यूचर ऑप्शन में लिस्टेड होते हैं, ऐसे स्टॉक के अंदर लोग काम करते हैं बीटीएसटी के लिए। अगर ये जो पीपल है जो लोग बीटीएसटी करते हैं, ये मेरे हिसाब से हर आदमी के लिए स्टार्टिंग में करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, स्टार्टिंग में करना बहुत मुश्किल काम है। बिकॉज आपको, जैसे आप समझे, मुझे आज खरीदना है और मुझे कल बेचना है, आज खरीदना और मुझे कल बेचना है, मुझे परसों नहीं बेचना है या एक हफ्ते के बाद नहीं बेचना है, आज मैंने खरीदा है मुझे कल बेचना है, तो उसमें क्या होगा? आपका डिलीवरी चार्जेस लगने वाला है, सब कुछ लगेगा। ठीक है, अगर आप एफएनओ में भी काम कर रहे हैं तो आज खरीदोगे कल ही आपको बेचना है, तो आपके खर्चे हैं। आपका ये गारंटी होना बहुत जरूरी है कि कल उसका दाम ऊपर जाने वाला है। ठीक है, अगर आपको इस चीज की गारंटी नहीं है और आप बीटीएसटी कर रहे हो, आपको नुकसान ही होगा। तो मतलब, जैसे आज मान लो मैंने 100 रुपए पे एक सामान खरीदा है, मैंने आईसीआईसीआई बैंक का स्टॉक 100 रुपए पे लिया है फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे पूरा यकीन होना चाहिए कि कल ये 104 या 105 पे मैं इसको बेच सकता हूं। अगर आपको ये भरोसा नहीं है तो आप बीटीएसटी ना करें, बिल्कुल ना करें। अच्छा, प्रॉब्लम क्वेश्चन क्या आता है, सर क्या लोग बीटीएसटी से पैसा सच्ची में कमाते हैं या नहीं कमाते हैं? तो मैं आपको बताऊं, लोग बीटीएसटी में बहुत अच्छे से पैसा कमाते हैं, बहुत अच्छे से कमाते हैं। अब कुछ लोग पूछेंगे मैं कमाता हूं बीटीएसटी से, तो भैया मैं बताऊं, मैं नहीं कमाता हूं, मैंने हाथ खड़े कर दिए, मैं नहीं कमाता, मैं बीटीएसटी नॉर्मली नहीं करता हूं। ठीक है, मैं बीटीएसटी नहीं करता, एक दो बार जब स्टार्टिंग में मैंने इसको करने की सोची थी, लेकिन मैं उसके बाद से नहीं करता, बिकॉज मेरे को दूसरे तरीके मिल गए पैसा कमाने के, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। मेरे को इसके तरफ आने का मतलब वापस मन नहीं किया। ये करने के लिए आपके पास एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी होती है, BTST करने वालों की एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी होती है। वो स्ट्रैटेजी क्या है, वो आप जो लोग BTST करते हैं, जो FNO स्टॉक में काम करते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन वॉल्यूम। वो लोग वॉल्यूम शॉकर, अगर आप देखते हो मनी कंट्रोल पे या जहाँ पे लास्ट मोमेंट पे हाई वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड हो रहा है, उन लोग ऐसे स्टॉक को पकड़ते हैं। बट द मेन थिंग इज कि वहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी होती है, क्योंकि मैं एफएनओ में काम नहीं करता तो मैं आपको उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा। बट जो लोग बिना स्ट्रैटेजी के काम कर रहे हैं एफएनओ में, बीटीएसटी के अंदर, आप समझे आपको सिर्फ नुकसान होगा, प्रॉफिट नहीं हो सकता। आप कैश में भी बीटीएसटी कर सकते हैं। उसके बाद एक और सवाल आता है कि भाई अगर मैं बीटीएसटी कर रहा हूं तो क्या इसमें नुकसान होने का सबसे बड़ा मतलब प्रॉब्लम क्या है? तो मैं आपको बताऊं, अगर आप बीटीएसटी कर रहे हैं, अगर आप में से कोई भी बीटीएसटी कर रहा है और आप इस चीज को जो मैं अभी बताने वाला हूं इसको इग्नोर करोगे, तो आप देखेंगे कि आपका पूरा बैंक बैलेंस साफ हो जाएगा, पूरा बैंक बैलेंस साफ हो जाएगा। वो चीज क्या है मैं आपको बताता हूं, इस चीज को बोलते हैं वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम का मतलब क्या है, वॉल्यूम का मतलब है अगर आपको स्टॉक चूज कर रहे हो बीटीएसटी करने के लिए, यू आर चूजिंग एनी स्टॉक फॉर बीटीएसटी, और उसके अंदर वॉल्यूम नहीं है, उस स्टॉक के अंदर वॉल्यूम नहीं होता है, तो आपको लॉस होने के चांसेस हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। आपने 100 रुपए का स्टॉक लिया और आपने सोचा कि मैं कल इसको बेच दूंगा और वो पैसे बन जाएंगे, चलो बहुत अच्छी बात है। अगले दिन आपने उसको 104 रुपए पर जाके बेच भी दिया, आपने जाके बेच भी दिया, लेकिन यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, लेकिन
सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, अगर उस स्टॉक में वॉल्यूम्स नहीं होते हैं, उस स्टॉक में वॉल्यूम्स नहीं होते हैं, आपका जो आपने बेचा है उस पे ऑक्शन आ जाएगा, कॉल ऑक्शन आ जाएगा। कॉल ऑक्शन आ गया तो आप समझे आपको बड़े प्यार से 10-15-20% तक का नुकसान हो सकता है। कॉल ऑक्शन नॉर्मली उसी स्टॉक में आता है जहां पे वॉल्यूम्स नहीं होते, जहां पे हैवी वॉल्यूम्स है। निफ्टी के स्टॉक्स हो गए, निफ्टी के 50 स्टॉक्स हैं, वहां पे आप काम कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से काम करें। जिसमें हैवी वॉल्यूम्स वाले स्टॉक है वहां पे काम करें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जहां पे वॉल्यूम बहुत कम होते हैं, बहुत कम वॉल्यूम्स होते हैं, लो वॉल्यूम स्टॉक्स, अगर आपने वहां काम किया तो 2 दिन बच जाओगे, तीसरे दिन आप फंस जाओगे, और जिस दिन फंसे आपका जितना भी प्रॉफिट था वो सारा का सारा चला जाएगा, और उसके साथ साथ जो आपके घर के पैसे वो भी चले जाएंगे और आप बहुत नुकसान में चले जाओगे। तो ये चीज हमेशा याद रखना, बीटीएसटी करने के जो मैं तरीके आपको बता रहा हूं, जो आपके दिमाग में होना चाहिए, पहला आपको पूरा भरोसा होना चाहिए आपके जो जो आपने टेक्निकल एनालिसिस सीखा है उसके हिसाब से कि भैया जो इसके प्राइस हैं ये कल बढ़ जाएंगे, आपको ये चीज की पूरी गारंटी होनी चाहिए, तो ही आप उसको बाई करें। दूसरा, जो स्टॉक है वो नॉर्मली एफएनओ वाला स्टॉक होना चाहिए, नॉर्मली एफएनओ वाला स्टॉक होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब कैश वाला जो स्टॉक है उस पर वो काम नहीं करता, बट नॉर्मली एफएनओ वाले स्टॉक्स होने चाहिए। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वॉल्यूम्स होने चाहिए। वो जो स्टॉक में आप काम कर रहे हो उस स्टॉक में काफी अच्छे वॉल्यूम्स होने चाहिए, अगर उस स्टॉक में ज्यादा अच्छे वॉल्यूम नहीं है तो आप याद रखें आप कभी भी कॉल ऑप्शन में आपका आपका आ जाएगा और आपको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने बीटीएसटी के बारे में जाना। अगर आपको फिर भी कोई सवाल है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें, और क्या कुछ नहीं, अब चलते हैं, टाटा बाय बाय करते हैं, अभी हर बार और करता रहूं। ठीक है, चलिए, सीखते रहिए, कमाते रहिए, खुश रहिए।